नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रूबी बंसल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज एक पेशेंट की क्वेरी आई कि मैंने जो है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट किया अपने किसी कलीग के साथ, तो क्या मुझे एचआईवी हो सकता है। सो डेफिनेटली मेरा आंसर था, अगर कोई भी इन्फेक्टेड है तो हो सकता है। तो बोला, पर वो सेक्स वर्कर तो नहीं थी, तो क्या एचआईवी सिर्फ सेक्स वर्कर के साथ सेक्स करने से होता है, या कम्युनिटी में किसी नॉन और किसी भी और व्यक्ति के साथ, कलीग के साथ, फ्रेंड के साथ सेक्स करने से भी एचआईवी हो सकता है। तो कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। अगर सेक्स वर्कर एचआईवी इन्फेक्टेड नहीं है तो आपको एचआईवी नहीं होगा, और अगर कोई भी कम्युनिटी से आपकी दोस्त या आपकी कलीग या आपका कलीग जो भी है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, अगर वो एचआईवी पॉजिटिव है तो दूसरे व्यक्ति को एचआईवी हो सकता है। सो जब तक किसी का टेस्ट नहीं हो, जब तक किसी का स्टेटस नॉन नहीं हो, तो हर व्यक्ति पोटेंशियली डेंजरस है एचआईवी को स्प्रेड करने के लिए। और जितना भी हम लोग इसीलिए बात करते हैं कि टेस्ट अपना जरूर कराएं। हाई रिस्क ग्रुप सेक्स वर्कर क्यों हाई रिस्क ग्रुप हाई रिस्क में आती हैं, क्योंकि वो मल्टीपल सेक्स पार्टनर के साथ कांटेक्ट रखते हैं। सो दैट इज देयर प्रोफेशन। तो जब वो उनके पास मल्टीपल सेक्स पार्टनर होते हैं तो डेफिनेटली उनमें एचआईवी होने की संभावना ज़्यादा होती है। चाहे हम ट्रकर्स को कहते हैं, आईवी ड्रग यूज़र को कहते हैं, ये सब हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, बिकॉज सिर्फ यही रीज़न है कि उनके मल्टीपल सेक्स पार्टनर होते हैं। या आईवी ड्रग यूज़र भी एक सिरिंज से, कई लोग, काफ़ी सारे लोग इंजेक्शंस लेते हैं, तो उनको एचआईवी होने की संभावना होती है। परंतु ऐसा नहीं है कि कम्युनिटी में जो लोग हैं, जो लोग रह रहे हैं या जो घूम रहे हैं, अगर उनको अपना स्टेटस नहीं पता है तो वो एचआईवी नहीं है। सो कोई भी व्यक्ति जिसके मल्टीपल सेक्स पार्टनर हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट करता है, तो वो हमेशा रिस्क पर रहता है एचआईवी ट्रांसमिशन के। इसीलिए हम बार बार बात करते हैं कि सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, बैरियर मेथड, कॉन्डम, यूज द कॉन्डम, प्रिवेंट एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड अदर इन्फेक्शंस, चाहे वो गनोरिया हो, चाहे वो शैंक्रोइड हो, चाहे वो सिफिलिस हो, कोई भी और जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, आपके जननांगों पर अगर कोई भी किसी भी तरह की बीमारी है तो उसको प्रिवेंट करना चाहिए। पाइल्स और फिशर अगर किसी को भी है, तो जो लोग एनल सेक्स करते हैं और अगर पाइल्स और फिशर हैं तो एचआईवी होने की संभावना ज़्यादा रहती है, अगर वो किसी एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति के साथ कनेक्ट करते हैं। इसीलिए जो भी लोग मल्टीपल सेक्स पार्टनर रखते हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं, तो एवरी सिक्स मंथ अपना एचआईवी की जांच जरूर कराएं, क्योंकि छः महीने तक, हम तीन महीने तक विंडो पीरियड को मानते हैं और मैक्सिमम सिक्स मंथ तक, तो हर छठे महीने अपना एचआईवी की जांच जरूर कराएं। जैसे कि आप रूटीन में और इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो वो जरूर कराएं, तो उसी से जो है ट्रांसमिशन बच सकता है। और अगर कभी भी आपका किसी भी अननोन व्यक्ति के साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है तो अपने डॉक्टर से सलाह लें, पीईपी के बारे में पूछें, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस के बारे में बात करें, या अगर आपको अपना और अपने पार्टनर का स्टेटस नहीं पता है तो उसको चेक कराएं। तो यह बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए एचआईवी किसी से भी हो सकता है, चाहे वो सेक्स वर्कर है या वो कम्युनिटी में कोई भी वर्कर है। आजकल बहुत सारे लोग मसाज पार्लर से में जाते हैं, जहाँ पर भी ये सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, तो उनको तो अपना स्टेटस भी नहीं पता होता, तो दे आर ऑल्सो पोटेंशियली डेंजरस प्लेसेस। तो कोई भी पेनिट्रेटिंग सेक्स एक्टिविटी अगर आप अनप्रोटेक्टेड करते हैं तो दैट इज़ ए ओपन गेट फॉर एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन इंक्लूडिंग एचआईवी। तो इस सब का ध्यान रखें, हमेशा प्रोटेक्टेड सेक्स करें, और अगर कोई भी अनवांटेड एक्सपोजर हो जाता है तो पीईपी के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।